Hello and Namaste. Welcome to my channel Viva Wheels. Hope you all are having a great time. So today we are going for Independence Day celebration at the Embassy of India. So stay tuned, watch the video till end, and if you are new to this channel, please subscribe to this channel to see many more interesting videos. Stay tuned and I will show how it goes. तो सबसे पहले मेरी तरफ से आप सभी को अ वेरी वेरी हैप्पी 77th इंडिपेंडेंस डे। तो हम पहुंच गए हैं इंडियन एम्बेसी, जहां ऐसा डेकोरेशन हुआ था और हमें वेलकम किया जा रहा था। एक्चुअली हम थोड़ा जल्दी पहुंच गए थे, बट सब कुछ रेडी था वहां पे। और आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा और इंडियन वाली फीलिंग आ रही थी। यहाँ पहुँचने के बाद ना बहुत ही अच्छा फीलिंग आ रहा था। मतलब एक होता है ना कि एक पैट्रियटिज्म वाला फीलिंग, तो वैसा बहुत प्राउड इंडियन वाला फीलिंग आ रहा था। ये है हमारा नेशनल फ्लैग, जो कि कुछ ही देर बाद हमारे एम्बेसडर इसको हॉइस्ट करेंगे। अरे वाह, वहाँ कुछ एग्जीबिशन लगा हुआ, आइए चलते देखने। तो ये है चंद्रयान 3 का सैटेलाइट, जो कि लॉन्च हो चुका है और बस हम बहुत क्लोज हैं मून में लैंड करने के लिए। तो रियली सो एक्साइटेड। तो इस साल से अब अगस्त 14 को पार्टीशन हॉरर्स रिमेम्बरेंस डे की तरह माना जाएगा। जैसे उस दिन इंडिया, हमारा देश कैसे मतलब पार्टीशन हुआ था और कैसे आज़ाद हुआ था, तो और लोग कैसे उस टाइम पे सैक्रिफाइस किए, उन सब के बारे में यहाँ बहुत ही डिटेल से दिया हुआ था। और बहुत सारे न्यूज़पेपर के क्लिप्स भी अटैच किए थे। इवन हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो क्या बोले थे, ट्वीट किए थे, अब तो वो एक्स बन गया है वैसे, तो उसका भी क्लिप यहाँ पे लगाया गया था। और ये सब कुछ न्यूज़पेपर क्लिप्स थे जिसमें उस दिन मतलब अगस्त 14, 1947 को क्या क्या हुआ था उसके बारे में पूरा डिटेल्स था। और ये था 75 इयर्स आज़ादी का अमृत महोत्सव, जो कि इस साल बस लास्ट था इस बार। और फिर G20 समिट, जो कि आने वाले सितंबर 10th और 11th को है। तो आई गेस हम इंडियंस के लिए आने वाले दिन बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। Seventh Independence Day of India 2022. This historic occasion honors the nation's laborious transition from the confines of colonial control to the lofty heights of sovereignty. तो अब हमारे एम्बेसडर सर फ्लैग होस्ट करेंगे। Friends, a very good morning to all of you. I am now going to read the excerpts from the address to the nation by the Honorable President of India, Srimati Draupadi Murmu, on the eve of the 77th Independence Day. My dear fellow citizens, my heartiest greetings to all of you on our 77th Independence Day. It is a glorious and auspicious occasion for all of us. Independence Day reminds us that we are not merely individuals, but we are part of a great community of people. तो ये रहा हमारा तिरंगा। तो नेशनल एंथम के बाद हमें ऑडिटोरियम में बुलाया गया था, तो सब लोग चले गए थे ऑलमोस्ट।
और जिनको फोटो खिंचाना था वो यहाँ पे थे, और यहाँ पे भी बहुत लोग खड़े होकर फोटो खिंचा रहे थे। यहाँ जो अरेंजमेंट हुआ हुआ था वो बहुत अच्छा लग रहा था। फिर हम आ गए थे ऑडिटोरियम के अंदर जहाँ होना था कुछ कल्चरल इवेंट्स लाइक हमारे कंट्री के लिए। तो आइए देखते हैं कुछ कल्चरल इवेंट्स, और आपको कौन सा सबसे अच्छा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। Thank you.
हम के नाश्ता छोले भटूरे जलेबी और चाय जो कि बहुत डिलीशियस था। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।